तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं। फिर दोस्त हम यहाँ सर्च करेंगे बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन सीफरेट ट्रस्ट। हम यहाँ दोस्त पहले लिंक को ओपन करेंगे। यहाँ देखिए नोटिस आ चुका है, नोटिस फॉर जीपी एंड सीसीएमसी रिपीटर कैंडिडेट सितंबर 2023 एग्जामिनेशन। तो दोस्त हम यहाँ नोटिस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या है। नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है, देखते हैं क्या होता है अभी। तो दोस्त अब यहाँ फिर से दोस्त ऊपर क्लिक करेंगे, नोटिस फॉर जीपी एंड सीसीएमसी रिपीटेड कैंडिडेट्स पर। हम यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसे हम ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो ये एग्जामिनेशन नोटिस है दोस्तों, आपको थोड़ा इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्त इसका जो सितंबर 2023 में जो एग्ज़ाम होगा, इसका जो सेंटर चुना गया वो मुंबई, चेन्नई, आपका कोलकाता भी है। और दूसरा नंबर पे जो है दोस्त, इसका एग्ज़ाम कितनी बार होता है, तो एक बार फ्रेश तो लोग देते ही हैं। उसके बाद 7 टाइम्स आप अगर पहली बार में पास नहीं कर पाते तो आपको 7 बार और भी चांस मिलते एग्ज़ाम देने के। तो तीसरा नंबर यही है कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो सितंबर महीने में होगा, खैर इस पर वो नहीं ध्यान देते। आपका जो 4 नंबर है दोस्त, वो रिपीटर 17A GP और रिपीटर 16A फॉर्म, इसको दोस्त हम बता देंगे कि फॉर्म को आगे डाउनलोड कैसे करना है। उसके बाद 5वां नंबर है आपका, दी कैंडिडेट मस्ट नोट द जीपी सीसीएमसी पासिंग आउट सर्टिफिकेट विल बी इश्यूड ओनली ऑन सबमिशन ऑफ STCW कोर्स सर्टिफिकेट। ये जो 5वां नंबर है, दी कैंडिडेट शू हैव कंप्लीट मैंडेटरी, तो 5वां नंबर कहने का मतलब ये जो STCW का सर्टिफिकेट आपको पाँचों सब्जेक्ट का जो सर्टिफिकेट आपको मिला है, वो आप जो फॉर्म आप फिलअप करेंगे उसके साथ ये अटैच करना है। तो PST, EFA, EPFA, PSSR, ये दोस्त चारों का सर्टिफिकेट एक ही में होता है। एंड जो आपका STS और DST है, इसका एक अलग सर्टिफिकेट होता है। तो इस दोनों की आप रंगीन प्रिंट निकलवा करके इसके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। और ये जो आपका 6 नंबर है, 6 नंबर दोस्त COVID-19 से संबंधित है, तो वो तब COVID-19 है नहीं तो उससे ध्यान नहीं देते। और ये जो बी वाला ऑप्शन है आपका, एग्जामिनेशन फीस फॉलोइंग वे, तो कहने का मतलब है कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म का फी जो पेमेंट करेंगे हम QR कोड से ही करेंगे। और उसके बाद नीचे देखते हैं क्या होता है। तो ये इसकी जो एक प्रति ट्रांजेक्शन ID की जो हम पेमेंट कटेंगे, उसकी रिसीप्ट को रजिस्टर्ड पोस्ट करना है या स्पीड पोस्ट करना है इस फिलअप फॉर्म के साथ। और जिस पते पर फिलअप करना, जिस पते पर
आपको सेंड करना होगा। ये पता है बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सीक्रेट टेस्ट 1007 एंड 1008 टेंथ फ्लोर NMS टाइटेनियम नवी मुंबई पिन इतने, इसी पर आपको सेंड करना है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है, मस्ट कैरी योर ओरिजिनल पासपोर्ट फॉर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन। जो आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जब जाएंगे तो आपका पासपोर्ट एकदम मस्ट होना ही चाहिए। और एक बात आपको और भी बता देता है, ये फॉर्म जब आप पूरा फिलअप करेंगे, इसके साथ जब आप जीरोक्स लगाएंगे STCW की, तो पासपोर्ट की भी एक प्रति इसके साथ लगा देनी है। और ये जो कहा नो एडमिट कार्ड विल बी इश्यूड, जो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा आपको जो मिलेगा, तो वहाँ पे आपको पासपोर्ट मस्ट है, पासपोर्ट का रहना ही पड़ेगा। और जो ऑल कैंडिडेट्स और जो दोस्त आपका, तो अगर आपका अगर ओरल प्रैक्टिकल है तो दोस्त आपको प्रॉपर PPE लेना है, बॉयलर सूट, सेफ्टी सूट, ये आपको ले करके ही जाना है। और इसका जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट इसका जो एप्लीकेशन का, 5 सितंबर 2023 है। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, 5 तारीख से पहले ही, 5 सितंबर से पहले ही इसको भेज देना है। और ये दोस्त 7वां नंबर जो है आपका, दी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। दोस्त फॉर्म को पूरा भरना है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्त। फॉर्म में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हम दोस्त बैक आते हैं, बैक आएंगे तो दोस्त यहाँ पर आपका नीचे लिखा है GP रिपीटर एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हियर। दोस्त ये GP वालों के लिए है, अगर आप CCMC से हैं तो दोस्त ये बगल में जो CCMC का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर ऐसे सेम टू सेम आपको शो करेगा। तो हम GP के लिए बता रहे हैं, GP रिपीटर एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक पे पर क्लिक करते हैं। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है लेकिन हम देखते हैं। तो दोस्त ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसे ओपन करते हैं। दोस्त जैसा मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम आपको वैसा ही फिलअप करना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से महीने में आपको पेपर देना है। दोस्तों रिजल्ट तो अभी निकला है जून, तो हम सितंबर में इसको एग्ज़ाम देना है, तो सितंबर में यहाँ फिलअप कर देंगे SCP लिख के छोड़ देंगे। ईयर पूछा है, सन 2023 है, 2023 फिलअप कर देंगे। एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्टेड, एग्ज़ाम सेंटर की दोस्त पूछ रहा है, तो एग्ज़ाम सेंटर आपका 3 जगह गया, मैंने पहले ही बताया था, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो अगर आपको कोलकाता फिलअप करना है तो आप यहाँ पर के OL लिख के छोड़ दीजिए, अगर मुंबई तो MUM। नेम एच इन द इंडोस, दोस्त इंडोस पे कहने का मतलब है जैसे आपके पासपोर्ट पे नाम है, सेम टू सेम नाम यहाँ पर आपको भरना है। कैंडिडेट्स कोड नंबर, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैंडिडेट कोड नंबर कहाँ मिलेगा। तो दोस्त आपका जो पहले का एडमिट कार्ड है प्रेसर का, उसमें आप देखेंगे तो आपका कैंडिडेट कोड नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पर फ़ोटो के बैकग्राउंड की फ़ोटो की बात कर रहा है, तो 30x40mm का चाहिए, तो आप अपने नियर बाई दुकान से जा कर के ऐसे फ़ोटो निकलवा सकते हैं। और यहाँ पे फोटोग्राफ के बारे में बता रहे, तो प्लेन बैकग्राउंड इसका होना चाहिए, यूनिफॉर्म विदाउट कैप, बिना टोपी के आपका फ़ोटो होना चाहिए। और दोस्त कोशिश कीजिए फ़ोटो एकदम वाइट हो, वाइट ड्रेस में हो, और प्लेन बैकग्राउंड हो, एकदम वाइट चलेगा। ये दोस्त आप गलती मत कीजिएगा इसमें, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट, तो दोस्त एक बार फ्रेशर, मैंने पहले ही बताया, एक बार फ्रेशर और 7 बार आप रिपीटर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एक बार आप
पेपर दे दिए, फेल हो गए तो एक बार गया, इसलिए यहाँ पर अब दो। अगर कोई दो बार फेल हो गया है तो यहाँ पर तीन तीन फिलअप करेगा, अगर कोई तीन बार हो गया तो यहाँ पर चार यानी चौथी बार एग्ज़ाम देगा। तो ये कंप्यूटर का है दोस्तों, मेरे ख्याल से सब प्रेशर वाले ही होंगे ज़्यादातर, तो आप यहाँ पर दो लिखेंगे। ट्रेनी इंस्टीट्यूट नेम, आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई की है, आप वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है मस्ट अटैच द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ STCW सर्टिफिकेट। ये जो EST, EFA, FPFA एंड PSSR इन चारों का सर्टिफिकेट एक में होता है, STS, DST इसका भी एक अलग से होता है, तो दो सर्टिफिकेट रहते हैं, तो आप इसकी एकदम रंगीन जीरोक्स निकलवा सकते हैं, या निकलवाना ही पड़ेगा आपको, वो आप इसके फॉर्म के साथ आप अटैच कर दीजिए। एक पेमेंट इसका करना है तो आप QR कोड से कीजिएगा, इसी QR कोड से। और इसकी फ़ीस के बारे में आपको बता देता हूँ दोस्त, अगर आप GSK ऑनलाइन में फेल हुए हैं या MEK ऑनलाइन में फेल हुए हैं तो आपको ₹300 का पेमेंट यहाँ करना है QR कोड से, और अगर आप GSK प्रैक्टिकल ओरल में फेल हुए हैं तो ₹550 आपको फिलअप कर ₹550 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसको आपसे कोई मतलब नहीं, ये लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली। तो आपको एक उदाहरण के बता देता हूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट GSK ऑनलाइन एंड MEK ऑनलाइन दोनों में फेल हो गया है, तो आप यहाँ पे जो टिक कर दीजिएगा GSK ऑनलाइन एंड MEK ऑनलाइन, और ₹600 का यहाँ पेमेंट कर दीजिएगा, और यहाँ पर जो UPI या UTR नंबर मिलेगा आपको आप यहाँ फिलअप कर दीजिएगा अमाउंट एंड डेट, आपने जिस तारीख में पेमेंट किया है वो तारीख यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद आपका पोस्टल एड्रेस पूछ रहा है, तो प्लीज़ राइटिंग कैपिटल लेटर ओनली, आपको सब कैपिटल लेटर में भरना है, जैसे आपका मकान नंबर, उसके बाद स्ट्रीट, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब आपको फिलअप करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी भी फिलअप करनी है। यहाँ आई उसके बाद यहाँ पे अपना नाम, डू हियर बाई डिक्लेयर दैट इंफॉर्मेशन फिनिश एवब बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, तो जो आई लिखकर उसके बाद आपको अपना नाम फिलअप करना है, सिग्नेचर आपका डेट जहाँ पे आपको सिग्नेचर अपना सिग्नेचर करना है, जैसे आपने पासपोर्ट पे किया है सेम वैसा ही, तो यहाँ पर भी सेम आपको फिलअप करना है। आप जून में एग्ज़ाम तो रिजल्ट आया, अभी आपको सितंबर में एग्ज़ाम देना, तो यहाँ पर सितंबर, उसके बाद यहाँ एग्ज़ाम आपको कहाँ देना, तो यहाँ कोलकाता फिलअप कर देंगे। बहुत लोगों का सवाल ये भी होता है कि हमने मुंबई में पढ़ाई की है तो क्या हम कोलकाता में एग्ज़ाम दे सकते, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, आप कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, आप पूरे ऑल इंडिया में किसी भी कॉलेज से किए तो आप इन तीन जगहों पे आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम एक फ़ोटो वही 30x40 mm की लगेगी, यहाँ पे आपका इंडोस सेम है जैसे पहले बताया, पासपोर्ट का एकदम जैसे नाम लिखा है वैसे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपकी, अपना इंडोस नंबर, कैंडिडेट कोड नंबर आपको पहले ही बताया कि जैसे आपके एडमिट कार्ड में लिखा था, सेम टू सेम आप वही भरना है। और यहाँ पे आप जिसमें आप फेल हुए थे आपको उस पर ऐसे टिक लगाना है। तो दोस्त आपको इतना ही करना है, सिग्नेचर तो आप कर ही दीजिएगा, ये रोल नंबर फॉर ऑफिस यूजली आपको नहीं भरना है, ये ऑफिस वाले भरेंगे। तो दोस्त इतना चीज़ आपको करना है, अब इसके साथ आपको अटैच क्या करना है, तो ये पूरा फॉर्म आप बढ़िया से फिलअप करेंगे, इसके साथ आप STCW दोनों सर्टिफिकेट की आप रंगीन फोटोकॉपी निकलवा लेंगे, इसके साथ आप अपना पासपोर्ट भी ऐड कर दीजिए। और दोस्त ये जो फीस रिसिप्ट आपने जो पेमेंट किया उसकी एक रसीद मिली होगी, तो वो रसीद भी आप इसके साथ अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्त आपको
मैंने पहले ही बताया था कि जिस पोस्ट पे आपको स्पीड पोस्ट करना है, जिस एड्रेस पे, वही एड्रेस आप भर के लिफाफे पे आप स्पीड पोस्ट से अपने नियर बाई पोस्ट यानी डाकखाने से आप उसे पोस्ट कर सकते हैं। तो इतना ही प्रोसेस है दोस्त। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्त, वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में ना आए या कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।